नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 10 प्रो प्लस मोबाइल में ऐप को लॉक कैसे किया था। दोस्तों आप किसी भी ऐप को लॉक करने चाहते हो तो दोस्तों ऐप को लॉक करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको ऐप लॉक का ऑप्शन आएगा, इसके सामने टिक इनेबल करना है। इस टिक को इनेबल करने से दोस्तों आपको अगर पहली बार ऐप को लॉक करोगे तो आपको यहाँ पे एक प्राइवेसी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आपको 6 अंकों का कोई भी पासवर्ड बना लेना है। जैसे दोस्तों आपको फिर से वही पासवर्ड वेरीफाई करना है, सेम वही पासवर्ड आपको फिर से डाल देना है। अब दोस्तों सिक्योरिटी आंसर में आपको कुछ भी लिख देना है। लिखने के बाद आपके यहाँ पे सेटिंग सही के निशान पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। जिस भी एप्लीकेशन को आपको लॉक करना है उसके सामने टिक इनेबल करना है। तो दोस्तों यहाँ से हम उदाहरण के लिए कोई भी एप्लीकेशन ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ से हम अपना व्हाट्सअप लॉक करेंगे, इसके सामने टिक इनेबल कर देंगे। जैसे इनेबल कर देंगे तो सक्सेसफुली हमारा व्हाट्सअप लॉक हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं दोस्तों, हमारा ये रहा व्हाट्सअप, इस पर क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हो जो मैंने वहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड डाला था, जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक हमारा ये व्हाट्सअप ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम वो प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं तो हमारा व्हाट्सअप यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप रियलमी 10 प्रो प्लस मोबाइल में किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।